आज मैं यूपी बोर्ड अंग्रेजी सेकेंड ईयर में निर्धारित प्रोज का जो तीसरा पाठ द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर है, इसका दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं जहाँ तक बताया हूँ उस पैराग्राफ से आगे वाले पैराग्राफ का हिंदी में और इंग्लिश में व्याख्या कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और किताबों में देखिए और समझिए। इफ यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस आर फेल्योर। लेखक कहता है कि यदि आपने इस विश्वास को प्राप्त कर लिया, फेथ माने विश्वास, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस आर फेल्योर, फिर आपको अपने भविष्य के सफलता और असफलता के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, सफलता आपके पास आएगी, निश्चित रूप से आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जस अबाउट द रिजल्ट्स, आपको परिणाम के विषय में व्याकुल व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली, केवल आनंद के साथ काम को करते चलना है, करते चलें। एंड पीसफुली, और शांतिपूर्वक करते चलें। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि राइट थॉट्स, सही विचार, एंड राइट एफर्ट्स, और सही प्रयास विल इनविटेबली, अनिवार्य रूप से ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, सही परिणाम को लाएंगे। यानी आप इसमें विश्वास करें कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सही परिणाम भी मिलेगा। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज यू हैव अचीव्ड दिस फेथ अबाउट विच described about which described in previous paragraph. If you have achieved, you have got this faith, you need not worry about your future success and failure. You need not worry about your result. Surely you will get success. Success will be your. Success will surely come to you. And now you need not to be anxious or excited for your result. Only you have to work peacefully and joyfully. Only you have to work with pleasure. Knowing that, remembering that, that it is the rule of nature that right thoughts and right actions always lead the man to right result. The result surely, if a man does right works and he always thinks right thoughts, surely he will get right result. Agla paragraph. Your success, your failure, your influence, your whole life, aapki safalta, aapki asfalta, your influence, aapka prabhav, your whole life aur aapka pura jeevan, you carry along with you, jo aap leke chalte hain, for your dominant trends, यही आपके निर्णायक तत्व हैं। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, और जो आपके डोमिनेंट प्रभाव करने वाले जो तत्व हैं ऑफ थॉट, विचारों के, आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, यही आपके डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं, निर्णायक तत्व हैं इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य के। यानी आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन जो अपने साथ लेकर के चलते हैं, और आपका जो प्रमुख मुख्य जो आपका व्यवहार और तत्व है,
विचारों में जो सबसे पवित्र और प्रमुख तत्व है, यही आपके भाग्य के निर्णायक तत्व हैं, यही आपके भाग्य का निर्णय करते हैं। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स। यदि आप हमेशा जीवंत, तनावरहित, शुद्ध, पवित्र और प्रसन्नता पैदा करने वाले विचार भेजते हैं, यानी पैदा करते हैं, एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तो सफलता आपके हाथों में आएगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विथ द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपका मेज जो है हमेशा शांत के कपड़े से ढका रहेगा, यानी आपके मेज पर शांति होगी, अर्थात जब भी आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ भी करेंगे तो शांति रहेगी। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैपी थॉट्स। और यदि आप हमेशा घृणित, अपवित्र और दुखी विचार पैदा करते हैं, भेजते हैं, एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपके पास जो है अभिशाप की बरसात होगी, दुखों की बरसात होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट, और भय और व्याकुलता, बेचैनी विल वेट अपॉन योर पिलो, आपके तकिए के पास आपकी प्रतीक्षा करेंगी, अर्थात रात में आप सोने के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको नींद नहीं आएगी, वहां भी आपको बेचैनी रहेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप ही अपने भाग्य के असली सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेट व्हाट इट मे, इसलिए जैसा चाहे आप अपने भाग्य को बना लें। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यू आर सेंडिंग, आप निश्चित रूप से भेज रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, सेंड फोर्थ फ्रॉम यू अपने अंदर द इन्फ्लुएंस, प्रभाव को, विच विल मेक आर मार योर लाइफ, वह आपके जीवन को या तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। लेट योर हर्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग, आपका हृदय विशाल और स्नेहिल होना चाहिए, एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थी होना चाहिए, एंड ग्रेट और महान होना चाहिए, एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, और अंत में आपका जो प्रभाव होगा, एंड सक्सेस, आपकी जो सफलता होगी वही असली होगी, इवन दो यू मेक लिटिल मनी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कम पैसे कमाएं, आप कम पैसे पाएं, आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन जो सफलता आपको मिलेगी असली सफलता होगी। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, और यदि आप अपने को अपने स्वार्थ में, अपने रुचि के लिए, अपने लाभ के लिए ही अपने को कन्फाइन कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, बांध लेते हैं, एंड इवन दो यू बिकम ए मिलियनर, तो आप एक बहुत मिलियनर, करोड़पति तो हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, योर इन्फ्लुएंस, लेकिन आपका प्रभाव एंड सक्सेस, सफलता एट द फाइनल रिकनिंग, अंत में विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, अंत में आपकी सफलता बिल्कुल महत्वहीन पाई जाएगी। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज, व्हाट एवर योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी विथ हिम, एंड योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, योर चीफ एंड मेन थॉट्स आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, डिसाइडेड फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ, ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द लक, द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ, योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ, योर एवरी एक्शन, योर एवरी वर्क एंड योर एवरी बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स एंड योर मेन थॉट्स, दीज आर द डिसाइडेड फैक्टर्स, डिटर्मिन फैक्टर्स ऑफ योर लक ऑफ लाइफ। इफ यू सेंड आर इफ यू क्रिएट लविंग थॉट्स, लविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स,
यू आर ऑलवेज विदाउट टेंशन, यू लव ऑल एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी. द रिजल्ट इज दैट सक्सेस विल कम टू यू, ब्लेसिंग विल कम इन टू योर हैंड्स एंड योर टेबल विल ऑलवेज बी कवर्ड द क्लॉथ ऑफ पीस. इट मीन्स यू विल ऑलवेज गेट पीस whether you are reading, sitting, you will be peaceful, you will get peace. And if you always sent, you always sent or create hateful, impure and unhappy thoughts, the result is that curses will fall upon you and you will not get peace of mind in your life. Fear and unrest will wait behind your pillow. It means you will not get peace at night. You will not sleep soundly at night. You will be disturbed. So, you are the real maker of your fate. You are the real maker of your fate. Whatever you like, you can make your fate according to your liking. If you like peace, happiness, pleasure in your life, make your life according to it. And if you like being anxious, unrest, impure in your life, make your life according to it. So you are the maker of your life. Whatever you like, you can make according to your liking. And the writer also says, every moment, whatever you are doing, all your actions either make or mar your fate. If you does good works, it means you make your fate. If you always does bad works, improper works, immoral works, illegal works, then you mar your fate. So you are the real maker of your fate. He also says, let your heart be loving, let your heart be large. You should always be broad minded, you should not be narrow minded. You should always think broadly, broad thinking, you should have broad thinking. You should not confine yourself in your self interest. So, and you should be unselfish, and at last, whatever success you are going to gain, your success will be significant. Your success will be significant. And if you have confined yourself within your self-interest, only you think about your interest, about your benefit, then you may be millionaire, you may be very rich, but at last whatever success you are going to gain will be insignificant. आगे कह रहा है, cultivate then this pure and unselfish spirit. इसलिए आप अपने अंदर यह पवित्र और निस्वार्थी भावनाओं को पैदा करने की कोशिश करें, एंड कंबाइंड विथ प्योरिटी एंड फेथ, और इसे पवित्रता और विश्वास से जोड़ें, पवित्रता और विश्वास से जोड़ें. सिंगलनेस ऑफ पर्पज, आपके जीवन का एक लक्ष्य हो, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ
आप अपने अंदर केवल प्रचुर मात्रा में पर्याप्त स्वास्थ्य के ही तत्वों का निर्माण नहीं कर रहे हैं एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, प्रयास करने वाली सफलता को ही का ही निर्माण नहीं कर रहे हैं बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि आप महानता और शक्ति के गुणों को भी पैदा कर रहे हैं। आप अपने अंदर जो है पवित्र और निस्वार्थी भावनाओं को पैदा कीजिए और इसे पवित्रता और विश्वास से जोड़िए, एक लक्ष्य हो। इस प्रकार आप अपने अंदर केवल प्रचुर मात्रा में अच्छे स्वास्थ्य के तत्वों को ही नहीं पैदा कर रहे हैं एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, और अस्थाई प्रयास किए जाने वाले अस्थाई सफलता के ही तत्वों को नहीं पैदा कर रहे हैं बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि आप महानता और शक्ति के गुणों को भी पैदा कर रहे हैं। नाउ द राइटर एडवाइजेज अस टू कल्टीवेट दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट इन अमंग अस। वी शुड ट्राई टू गेन द प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड वी शुड कंबाइन देम विथ प्योरिटी एंड फेथ। वी शुड हैव ए सिंगल पर्पज इफ वी आर एबल टू कल्टिवेट सच ए फेथ प्योरिटी एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग द एलिमेंट्स ऑफ sufficient health and the elements of real success, permanent success, but we are able to create the elements of greatness and power. Agla paragraph. Whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it. Kehta hai lekhak ki whatever your task may be, आपका कोई भी काम हो, जो भी काम अपने हाथ में आपने ले लिया है, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, इस संसार में कोई भी काम बड़ा या छोटा कम महत्व का नहीं होता है, सभी काम का बराबर महत्व होता है। जितना महत्व सुई का है उतना ही महत्व तलवार का है, तलवार और सुई का महत्व बराबर है, इसलिए किसी भी काम को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो लेखक कहता है कि जो भी काम आपने ले लिया है, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कर दीजिए, अपना पूरा ध्यान इस पर लगा दीजिए। थ्रो इन टू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल, अपनी पूरी ऊर्जा को उड़ेल दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप उड़ेल सकते हैं, अपनी सारी ऊर्जा को लगा दीजिए उस काम को पूरा करने में। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, क्योंकि त्रुटि रहित छोटे छोटे कार्यों की पूर्णता, यानी आपने छोटे मोटे कामों को बिना गलती किए पूरा कर दिया, फॉल्टलेस माने त्रुटिहीन, कंप्लीशन पूर्णता ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे कामों बिना गलती के बिना त्रुटि के छोटे कामों की पूर्णता लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, लीड्स ले जाता है इनविटेबली अनिवार्य रूप से आपको टू द लार्जर टास्क, बड़े काम की ओर ले जाता है। यानी पहले आप छोटे मोटे काम करने के लिए पाते हैं अपने घर, अपने गार्जियन द्वारा, अपने माता पिता द्वारा, लेकिन अगर छोटे मोटे काम को आपने बिल्कुल बिना किसी गलती के और सही सही कर दिया, तो अब आपको बड़ा काम भी वो देना शुरू कर दिया, और शुरू में ही छोटे काम को ही गड़बड़ कर दिया तो बड़ा काम नहीं मिलता है। See to it, देखिए समझिए, that की you rise by steady, यदि आप धीरे धीरे चढ़ते हैं, steady climbing, यदि आप धीरे धीरे चढ़ते हैं, स्थिरता के साथ संभल करके किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, and you will never fall, तो फिर आप कभी नहीं गिरेंगे। And here in lies the secret of true power, और यही सच्चे शक्ति का यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप काम को धीरे धीरे किंतु लगातार कीजिए और स्थिरता के साथ कीजिए, पक्का है आपको सफलता मिलेगी। बहुत तेज लड़का शायद अच्छा कंपटीशन न निकाल पाए, आईएएस पीसीएस न हो जाए, लेकिन धीरे धीरे अनवरत
प्रयास करने वाला, लेबर करने वाला, प्रतिदिन लगातार पढ़ने वाला लड़का निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है, बड़ा पद प्राप्त करता है। ये अकाट्य है, इसे कोई काट नहीं सकता है। उसी बात को यहां कह रहा है लेखक कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़िए, और जब धीरे धीरे आप चढ़ेंगे संभल के, तो आप कभी गिर नहीं सकते हैं। और यही असली शक्ति का रहस्य है। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, अनवरत अभ्यास के द्वारा आप सीखें हाउ टू हस्बैंड, कि कैसे हम व्यवस्थित करें। हस्बैंड, हस्बैंड का अर्थ यहां पति नहीं है, हस्बैंड का अर्थ मैनेज, टू मैनेज, व्यवस्था करना, किस तरह हम व्यवस्थित करें। योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को, एंड टू कंसंट्रेट देम, और इसे केंद्रित कर दें एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपान ए गिवन पॉइंट, किसी एक दिए हुए बिंदु पर। यानी हम ये सीखें कि हमारी जितनी ऊर्जा या शक्ति है, हमको अगर कोई एक काम दिया गया है, कोई एक निर्धारित काम है, उस पर हम अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगाना सीखें, क्योंकि तभी सफलता मिलती है। द फुलिस, मूर्ख जो हैं, वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, नष्ट कर जाते हैं, मूर्ख नष्ट कर जाते हैं, क्या नष्ट कर डालते हैं, ऑल देयर, अपने सभी मेंटल, मानसिक एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा को, टू फ्रिवॉलिटी, व्यर्थ की बातों में, फुलिश चैटर, व्यर्थ की बातों में बिठा, आर सेल्फिश आर्गुमेंट्स, या स्वार्थी तर्कों में, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, और अन्य खाने पीने में, मौज मस्ती में, इन्हीं में अपनी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। नॉट टू मेंशन, जहां उनको मेंशन नहीं करना चाहिए, जहां अपनी ऊर्जा को नहीं लगाना चाहिए, उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, वैसे ही जगहों पर अपनी ऊर्जा को लगा करके नष्ट कर डालते हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। ही सेज, व्हाट एवर वर्क वी हैव टेकन इन आवर हैंड, वी शुड कंसंट्रेट आवर होल एनर्जी एंड माइंड टू कंप्लीट दिस वर्क, वी शुड प्योर ऑल आवर एनर्जी टू कंप्लीट दिस वर्क। वट एवर एनर्जी वी हैव, वी शुड होल हार्टेडली प्योर वी शुड होल हार्टेडली कंसंट्रेट ऑल आवर एनर्जी एट द वर्क विच वी हैव टेकन इन आवर हैंड्स। द फॉल्टलेस कंबिनेशन ऑफ हियर द राइटर ऑल्सो से इफ वी आर एबल to complete a small work without any fault or mistake, and it leads us towards great works. First of all, we are given small works by our parents, and if we complete small work without any fault, we are given the responsibility of great works. He also says, if you are climbing slowly, if you have a steady climb, you reach step by step, you will never fall. And this is the real secret of, this is the secret of real power. A powerful man is not always in hurried and worried. He always does his work slowly and continually. You should learn how you are able to manage all your resources to concentrate on a single point, on a given point, at any moment. At any moment you are able to concentrate all your energy at a given point.
He also says, the foolish waste their valuable energy. They waste their valuable mental and spiritual energy in unnecessary talks, unnecessary works, unnecessary actions, and selfish and unnecessary arguments. They should not waste their energy in all these things, but they waste their energy. Agla paragraph hai. If you would acquire overcoming power, यदि आप इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इस शक्ति को जीत लेते हैं, एंड यू मस्ट कल्टीवेट पॉयस एंड पैसिविटी, तो आपको निश्चित रूप से अपने अंदर शांति और संतुलन बनाना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको निश्चित रूप से अकेले खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए. आपको हमेशा अकेले खड़ा होना चाहिए. ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमोबिलिटी, क्योंकि सारी शक्ति स्थिरता में निहित है. सारी शक्ति स्थिरता में स्थापित है. द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, चट्टान, विशाल चट्टान, द स्टार ट्रायड ओक और मजबूत ओक का वृक्ष, आल स्पीक टू अस ऑफ पावर. ये सब के सब हमसे शक्ति की बात करते हैं, यानी ये सब के सब शक्ति के प्रतीक हैं. बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंजर, क्योंकि उनका जो एकांत अकेले में जो ग्रैंजर वैभव है, शान है, एंड डिफिएंट फिक्स्टी, और उनका जो अस्थाई दृढ़ता है, ये अकेले में बिल्कुल अस्थाई रूप से शांत पूर्वक दृढ़ रहते हैं, एक जगह रहते हैं. चट्टान हमें मजबूती का प्रतीक है, चट्टान मजबूती का प्रतीक है. वाइल, जबकि द शिफ्टिंग सैंड, उड़ते हुए बालू, हिलते हुए बालू, द वाइल्डिंग ट्विग, वृक्ष की झुकी हुई शाखा, वृक्ष की शाखा अगर झुकी है तो इसका मतलब जो कमजोर शाखा है वही झुकती है, जो मजबूत शाखा है वो तो झुक नहीं सकती. एंड दी वेविंग रीट, और हिलते हुए सरकंडे, नरकट, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस. ये सब के सब जो है वो कमजोरी के प्रतीक है, ये कमजोरी प्रदर्शित करते हैं. बिकॉज, क्योंकि दे आर मूवेबल, ये बिल्कुल हिलने वाले हैं, हिलने डुलने वाले हैं. दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट, और अस्थिर हैं. एंड आर अटरली यूजलेस, और बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं. व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब ये अपने सहयोगी से डिटैच्ड माने अलग कर दिए जाते हैं, जब ये अपने सहयोगी से अलग कर दिए जाते हैं. बालू का अगर एक एक कण अलग कीजिए तो उड़ता चला जाएगा. और ऐसे ही सरकंडे या नरकट को झूठे में होते हैं, अगर सबको अलग करते जाइए तो कमजोर होके झुक जाएगा, गिरता जाएगा. वो एक साथ रहते हैं तभी खड़े रहते हैं. तो ये क्या है, कमजोरी का प्रतीक है. अकेले नहीं रह सकते हैं, कई मिलकर रहेंगे सहयोगी तब रह पाएंगे. ही इज द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति संसार में शक्तिशाली है हूं जो, व्हेन ऑल हिज फ्रेंड्स आर स्वेड, जब उसके सारे मित्र प्रभावित हो जाते हैं बाई सम इमोशंस, किसी न किसी भावना से, इच्छा से, आर पैशंस और संवेग से, संवेदना संवेग से, रिमेंस काम एंड अनमूव्ड, लेकिन उस समय भी वह शांत और स्थिर रहता है, वही व्यक्ति संसार में शक्तिशाली है. जो लड़का साल भर पढ़ के मेहनत से तैयार किया है और परीक्षा में अपने आप लिख रहा है, किसी से पूछना नहीं है, वही शक्तिशाली है. और जो साल भर पढ़ा नहीं, सब पूछी के लिखना है, उससे पूछेगा, कोई नहीं बताएगा, नाराज होगा, यही होगा, वो हमेशा क्या है, कमजोर है. इसलिए शक्तिशाली बनो, अकेले खड़े हो, तुमको किसी सहायता की जरूरत ना हो, तुमसे लोग सहायता मांगे लेकिन तुम किसी से सहायता न मांगो, अपने काम को अपने कर डालो.
ये असली शक्ति का रहस्य है। नाउ द राइटर सेज इफ यू आर एबल टू अचीव, इफ यू आर एबल टू एक्वायर दिस ओवरकमिंग पावर, यू शुड कल्टिवेट पॉयस एंड पैसिविटी एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड अलोन ऑन योर ओन फीट, यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर वर्क विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स। यू शुड फर्मली स्टैंड बिकॉज ऑल पावर इज सिचुएटेड इन इमोबिलिटी। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रॉक एंड ओक ट्री, दे आर द सिंबल ऑफ दे आर द सिंबल ऑफ इमोबिलिटी, दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट मूवेबल, दे डू नॉट मूव, सो दे टेल अस द स्टोरी ऑफ अमूवेबिलिटी। एंड दे आर पावरफुल बिकॉज देयर ग्रैंडियर, देयर सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड देयर परमानेंट फिक्स्टी टेल अस अबाउट देयर ग्रैंडियर एंड ब्यूटी एंड अबाउट देयर पावर। On the other hand, the changing and shifting sand and the bending branch of tree and the waving reed, they all tell us the story of weakness. They are the symbol of weakness. They are weak. Because they are movable, they are not constant, they are movable, and they are completely useless. When they are detached, when they are removed from their fellows, their friends, they cannot stand, and so they are the symbol of weakness. And the writer says that man is powerful who is always stands, who is always remained unmovable when all his friends leave him, inspired are influenced by some emotions and passions. When all the friends and all the friends are influenced by their passions, but he is always he remains stand, he is powerful. अगला paragraph है, he only is fitted to control, to command and control, who has succeeded in commanding and controlling himself. वही व्यक्ति इस संसार में किसी को आदेश देने के लिए और किसी को नियंत्रित करने के लिए उचित है, ठीक है,
जब वही व्यक्ति किसी दूसरे को नियंत्रित कर सकता है और वही व्यक्ति किसी दूसरे को आदेश दे सकता है, हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जिसका पहले अपने ऊपर नियंत्रण हो, यानी जो अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया हो, यानी सबसे पहले स्वयं का अनुशासन जरूरी है। जो अपने को अनुशासित कर सकता है, जिसका अपने ऊपर अनुशासन है, वही किसी दूसरे को अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता है। द हिस्ट्रिकल, अत्यंत भावुक व्यक्ति, द फियरफुल, निडर, द थॉटलेस, द फियरफुल, डरपोक, द थॉटलेस और विचारहीन, एंड फ्रिवलस और तुक्ष, लेट सच सीक कंपनी, ये सब के सब जो है कंपनी खोजते हैं, साथ खोजते हैं, आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के ये गिर जाते हैं, ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। बट द काम, लेकिन जो शांत है, स्थिर है, द फियरलेस जो निडर है, द थॉटफुल जो विचारशील है, एंड ग्रेव जो गंभीर है, लेट सच सीक द साली चूट ऑफ द फॉरेस्ट, ये सब के सब जो है जंगल का एकांत खोजते हैं, द डेजर्ट रेगिस्तान खोजते हैं, एंड द माउंटेन टॉप्स और हिमालय की चोटी खोजते हैं, पर्वत की चोटी खोजते हैं, एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, और वहां जाकर के इनका शक्ति और इनका बल एकांत में और बढ़ जाता है, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और ये बड़ी सफलता के साथ स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स, ये बॉन्डर और जो हमारी ऐसी भावनाएं हैं और जीवन की जो भावनाएं और बॉन्डर हैं, विच इगल्फ मैनकाइंड, जो मनुष्य को निगल जाते हैं, इन सारी चीजों से ये अपने को सुरक्षित रखते हुए वहां और मजबूती के साथ रहते हैं, इन सांसारिक भावनाओं से ये बिल्कुल परे होते हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज, द मैन कैन गिव, दैट मैन कैन टीच द लेसन ऑफ डिसिप्लिन एंड कमांड, हु फर्स्ट ऑफ ऑल हैज डिसिप्लिन्ड एंड कमांडेड हिमसेल्फ, हु हैज हिज ओन कमांड ओवर हिमसेल्फ एंड ही इज डिसिप्लिन्ड, ही कैन टीच एंड गिव द लेसन ऑफ कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग अदर्स। If he has no his own control over himself, if he is not disciplined, he is indisciplined, he cannot teach the lesson of discipline to others. The man who is highly emotional, fearful, thoughtless and frivolous, such type of man are weak and they cannot live without company, they cannot live without support, without support they fall. But the man who is fearless, thoughtful, grave, calm, काम, सच टाइप टाइप ऑफ मैन, सीक सॉलिट्यूड, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड, बिकॉज एंड द फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड माउंटेन टॉप, बिकॉज
their power is enlarged in solitude on these places, and their power is added here, and very easily they are able to check the psychic currents and whirlpools full. They are very easily able to check their passions, which are harmful and engulf mankind, but they save themselves from the passions. अगला, passion is not power. शक्ति जो है ये इच्छाएं जो हैं, संवेग जो हैं, ये शक्ति नहीं है. इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, बल्कि यह शक्ति का दुरुपयोग है. द डिस्पर्सिंग ऑफ पावर, शक्ति का जो है उड़ेलना है, फेंकना है. पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टार, और ये पैशन जो है, संवेग जो है, एक तूफान की तरह से है. विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, जो चट्टान पर आकर के लड़ता है और समाप्त हो जाता है. जैसे तूफान आता है, चट्टान से लड़ता है, लेकिन वहीं समाप्त हो जाता है, इसी तरीके से यह भी एक तरह से तूफान है. तूफान की तरह से यह पैशन आता है और समाप्त हो जाता है. वाइल्ड, जबकि पावर इज लाइक द रॉक, शक्ति जो है एक चट्टान है, इटसेल्फ स्वयं में एक चट्टान है. विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो सबके बाद बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले स्थिर बना रहता है. नाउ द राइटर सेज दैट पैशन इज नॉट पावर. देयर आर सो मेनी पैशंस एज एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, दीज आर पैशंस, बट दीज आर नॉट पावर. बट दीज आर द मिसयूज ऑफ पावर, एंड दीज आर द डिस्पर्सन ऑफ पावर. एंड द राइटर सेज दैट पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टार, एज फ्यूरियस एंड पावर इज लाइक ए रॉक, एज द स्टार कम्स बट रिटर्न्स आफ्टर एंड रिटर्न्स इम्बैटल्स रॉक एंड इट डैशेज rocks and return in the same way. Passion also comes to a man, but the man, if the man is powerful, passions return. On the other hand, power is like the rock. Here passion is compared to a furious storm, and power is compared to rock. Power is like the rock. Power remains silent and unmoved like rock. If you have not this power, agla paragraph dekhiye. If you have not this power, yadi aapke paas yah bal nahi hai, yah shakti nahi hai, you may acquire it by practice. To aap अनवरत अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं. धीरे धीरे अभ्यास करके आप जो है वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं. बाई प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और शक्ति का शुरू होना इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ये एक तरह से आपके अंदर बुद्ध का पैदा होना है. यदि आपके अंदर यह शक्ति पैदा हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि का विकास हो रहा है, बुद्धि पैदा हो रही है. यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दीज परपजलेस ट्रिवेलिटीज, आप निश्चित रूप से जीवन की जो उद्देश्यहीन तुक्षता है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. और विजय प्राप्त करने का मतलब
आपको निश्चित रूप से शुरू करना चाहिए विजय प्राप्त करना, किस पर? दोज पर्पजलेस स्टेबिलिटीज, उस निरुद्देश्य उद्देश्यहीन तुक्ष चीजों पर टू विच यू हैव हिदर टू बीन ए विलिंग, जिसके आप शिकार हैं, विलिंग विक्टिम माने शिकार हैं। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, अनियंत्रित हंसी, स्लैंडर, बदनामी एंड आइडियल टॉक और अनावश्यक बात, एंड जोकिंग मियरली टू रेज ए लाफ, और केवल हंसने के लिए मजाक करना, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीजें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, आप इसे एक तरफ रख दीजिए, अलग कर दीजिए, एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये आपके बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करते हैं। नाउ हियर द राइटर सेज, इफ यू हैव नॉट सच ए पावर, यू शुड ट्राई टू कल्टिवेट इट बाय रेगुलर प्रैक्टिस, बाय रेगुलर प्रैक्टिस यू विल गेट दिस पावर, एंड इफ यू आर एबल टू बिगिन दिस पावर इन योर सेल्फ, इट मीन्स यू आर एबल टू बिगिन विजडम, यू मस्ट बिगिन, यू मस्ट ट्राई टू विन दोज पर्पजलेस ट्रिविल टीच, दोज पर्पजलेस वर्क्स ऑफ विच यू आर विक्टिम, यू शुड अवॉइड, यू शुड लीव बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, एंड यू शुड अवॉइड आइडियल टॉक्स, एंड यू शुड ऑल्सो अवॉइड जोकिंग ओनली फॉर लाफ, ऑल दीज थिंग्स द राइटर सेज, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स वेस्ट योर वैल्यूएबल एनर्जी। अगला पैराग्राफ है, एबव ऑल बी आप सिंगल एम, हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट। और लेखक कहता है, एबव ऑल, इन सब के बाद, बी आप सिंगल एम, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, और यह आपका बहुत ही वैध और उपयोगी लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और आप अपने को बिल्कुल होल हार्टेडली माने पूरे मनोयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दीजिए, लेट नथिंग ड्रा यू एसाइड, फिर आपको कोई आपके लक्ष्य से अलग नहीं कर सकता है। रिमेंबर दैट, एक बात याद रखिए, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, दोहरा मन रखने वाला व्यक्ति, दोहरा चरित्र रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने कार्यों में अस्थिर होता है, वह निर्णय नहीं ले पाता है, अस्थिर होता है। बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहें, बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने में बिल्कुल धीमा रहे, मांगे मत। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आपको अपने काम का गहन अध्ययन हो, गहन समझ हो, यानी जो काम आपको करना है आपने अपने हाथ में लिया है उसको अच्छी तरह से आप समझें, एंड लेट इट बी योर ओन, और आपका यह काम अपना हो, यानी जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उस काम को अपना समझिए, एंड एज यू प्रोसीड एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड इन फेलिएबल वॉइस, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अनुसरण करते रहिए, क्या इनवर्ड गाइड, अपने आंतरिक मार्गदर्शन से, यानी अपनी अंतरात्मा से के मार्गदर्शन में चलते रहिए, द इनफेलिएबल फेलिएबल वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज से, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, फिर आप विजय पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे, एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और एक एक कदम आप ऊपर चलते चले जाएंगे, विकास करते चले जाएंगे, टू हायर टेस्ट रेस्टिंग प्लेसेज,
बिल्कुल आराम के साथ रुकते हुए और ऊपर चलते आप चले जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और आपका जो विस्तृत विशाल अवधारणा है, विल ग्रेजुअली क्रमशः रिवेल टू यू, आपको प्रदान कर देगी द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का जो मूलभूत आवश्यक सुंदरता है और लक्ष्य है, उसे अपने आप आपको प्रदान करेगी, आपको मिलेगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, सेल्फ प्यूरिफाइड, अपने को पवित्र किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, और विश्वास से संरक्षित सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्न्ड पावर्स विल बी योर्स, और अपने पर आत्मनियंत्रित शक्ति आपकी होगी। यानी इस संसार में वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है जिसका पहले अपने ऊपर नियंत्रण है, अपने को नियंत्रित किए हुए हैं। एंड ऑल दैट यू डू, और सब कुछ जो आप करेंगे करते हैं, विल प्रॉस्पर, वो फलेगा फूलेगा। फॉर, क्योंकि सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ इंसेल्फ्ड, क्योंकि आप रोक लेंगे किसको, तो जो आपके आपका जो अव्यवस्थित जीवन है और जो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, सेल्फ इंसेल्फ्ड, स्वयं को आपने जो है नियंत्रित कर लिया है, अपना दास बना लिया है। यू विल बी इन द हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और आप प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करेंगे। विद ग्रेट लॉ वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और वो प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होगा, आप प्रकृति, आपका कार्य प्रकृति के अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं होगा। द यूनिवर्सल लाइफ, आपका कार्य शाश्वत जीवन, द इटर्नल गुड, शाश्वत अच्छाई के लिए होगा। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विथ यू, ये आपके स्वास्थ्य साथ हमेशा बना रहेगा, अस्थाई होगा। ये जो आप स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे वह स्वास्थ्य अस्थाई होगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता आप प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, वह किसी भी मानव के गणना से परे होगा, कोई सामान्य मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। एंड विल नेवर पास अवे, और ये सफलता कभी भी पास अवे नहीं होगी, आपके पास से हटेगी नहीं, ये आपके पास हमेशा बनी रहेगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर, और जो प्रभाव और शक्ति आप प्राप्त करेंगे, यू विल्ड, जो आप पाएंगे पैदा करेंगे, विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा, सदा जारी रहेगा। टू इंक्रीज, बढ़ना, थ्रू आउट द एजेज, जुगों जुगों तक बढ़ता रहेगा। फार, क्योंकि इट विल बी ए पार्ट ऑफ द अनचेंजेबल पार्टिसिपल प्रिंसिपल्स विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, क्योंकि आपका यह कर्तव्य, आपका यह कर्म जो है, वो जो इस ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है, ब्रह्मांड को स्थापित करने में सहयोग करता है, ऐसे सिद्धांत, ऐसे अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक हिस्सा बन जाएगा। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पज ऑफ लाइफ, वी शुड हैव ए पर्पज इन आवर लाइफ, विदाउट पर्पज देयर इज नो वैल्यू इंपॉर्टेंस एंड existence of life. So he says, above all, after all, we have read, we have come to know so many factors, elements of success, of health, success and power. But here the writer says, above all, after all, there should be a single purpose, there should be a single aim. And the aim should be very legal, useful and legitimate. Our aim in life should be real, illegal, should be legal, useful and legitimate. And we should devote ourselves wholeheartedly to achieve
द एम ऑफ आवर लाइफ, द गोल ऑफ आवर लाइफ. वी शुड प्योर ऑल आवर एनर्जी टू अचीव द एम ऑफ लाइफ एंड नो वन ड्रा यू, नो वन कैन ड्रा यू फ्रॉम योर एम. श्योरली यू विल गेट योर एम, योर पर्पज. द मैन हु इज डबल माइंडेड, द मैन हु इज नॉट कॉन्स्टेंट, डबल माइंडेड, ही इज अनडिसाइडेड, सच टाइप ऑफ मैन आर वीक, सच टाइप ऑफ मैन इज वीक. Because he is not stable, he is unstable. And the poet advises that we should be always eager to learn, but we should be slow in begging. We should not hope of help from others. We should have a thorough understanding of our work. Whatever work we have taken in our hand, we should know thoroughly about it, and we should always think that this work is our own work. And so we should pour all our energy to complete this work. And we should always proceed inspired by our inner voice, inward guide, and our soul. And we shall pass on, and we shall get victory after victory. We shall always climb and rise step by step, getting resting place. We shall go higher and higher in our life. It means we shall gain progress and development in our life. We should have a broadening outlook. Our outlook should be broad, and automatically we shall get the essential beauty and purpose of life. The writer says, self-purified health will be your, you shall get the health, and your health will be self-purified because you are pure. And faith-protected success will be yours. You shall get the success which is based on faith. So, your success is faith-protected. And self-governed powers will be yours. It means you will be powerful and your power will be self-governed. Because you have controlled yourself, you have controlled over your passions, and so your power is self-controlled, self-governed, and you will make a harmony with great law, and you will not work against nature, but you will work for universal life and eternal good. And the writer says, after that, you will get such a health, you will gain such a health, it will remain with you. It means your health will be
परमानेंट एंड व्हाट सक्सेस यू आर गोइंग टू गेन, योर सक्सेस विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन. इट मीन्स योर सक्सेस, व्हाट सक्सेस यू आर गोइंग टू गेन विल बी रियल सक्सेस एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सक्सेस विच ऑर्डिनरी मैन गेट्स. एंड दिस सक्सेस विल बी परमानेंट, इट विल नेवर पास. एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल गेन, इट विल ऑल्सो कंटिन्यू. व्हाट यू आर गोइंग टू गेन सच ए पावर, दैट पावर विल बी परमानेंट, इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द एजेज. इट मीन्स एज द टाइम पास्ट विद द पासेज ऑफ टाइम योर पावर विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड एंड इट विल बी ए पार्ट ऑफ अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स विच सपोर्ट द यूनिवर्स. और अंत में कहता है दिस देन इज द सेक्रेट ऑफ हेल्थ. यही स्वास्थ्य का रहस्य है. क्या अब थोड़े में बता रहा है कि यही स्वास्थ्य का रहस्य क्या है. ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक पवित्र हृदय एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड और एक सुव्यवस्थित मन, अनुशासित मन. यानी जिसके पास पवित्र हृदय है, जिस व्यक्ति के पास और अनुशासित मन है, उसी के पास शक्ति है. दिस इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस. और यही सफलता का रहस्य है. क्या एन अनफ्लैटरिंग फेथ, पक्का विश्वास एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक अच्छी तरह से निर्धारित किया गया लक्ष्य. जिस व्यक्ति के जीवन में पक्का विश्वास है, अपने पर विश्वास, शक्ति पर विश्वास, अपने बल पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास, ईश्वर में विश्वास, और अच्छी तरह से उसने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, यही सफलता का रहस्य है. ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है. एंड टू रेन इन विथ अनफ्लैटरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर. और यही शक्ति का रहस्य है. क्या अतो अनफ्लैटरिंग विल, पक्का उत्साह, दृढ़ उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी दृढ़ता पर हमारे, यानी हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण, हमारी इच्छाओं पर दृढ़ता पूर्वक नियंत्रण और प्रबल उत्साह, यही जो है सेक्रेट ऑफ पावर, शक्ति का रहस्य है. इस संसार में वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, अपने को नियंत्रित किए हुए है और प्रबल उत्साह है, प्रबल इच्छा शक्ति है, वही व्यक्ति इस संसार में शक्तिशाली है. इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया और मुझे विश्वास है कि आप इस पाठ को जरूर समझे होंगे. आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें. अगर कहीं कोई कमी है, कोई समझ में नहीं आया है, कोई बात है या कहीं पढ़ाने में कुछ ऐसी आपको नज़र आ रहा है कि ये कर दिया जाए तो और ठीक हो जाएगा, तो इस तरीके के कमेंट्स आप अवश्य लिखें. धन्यवाद.